कौसाम्बी में चोरी के एक मामले में दबिश देने गई कड़ाधाम कोतवाली पुलिस पर कछुआ गांव के लोगों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने घेरकर पिटाई करने के बाद दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पिटाई से दरोगा और सिपाही घायल हो गए। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे। कड़ाधाम कोतवाली के पुलिसकर्मी बुधवार रात करीब 8 बजे सैनी क्षेत्र के कछुआ गांव में चोरी के एक मामले में दबिश देने गए थे। बताया जा रहा है कि दबिश को लेकर पुलिस पार्टी से ग्रामीणों की बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने घेरकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। दरोगा के साथ ही दोनों सिपाही भी घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमला करने वाले फरार हो चुके थे। एएसपी ने घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल भिजवाया। पूरा गांव छावनी बन गया है। आज हमारे एक थाना कड़ाधाम की पुलिस बगल के ही थाने सैनी थाने के गांव नरसिंहपुर कछुआ में दबिश देने गई थी और उस दबिश के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पिस्टल छीन ली। तत्काल हम लोगों ने वहां एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और उसके अलावा जो हमारी छीनी हुई पिस्टल थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा लिख के हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर हम लोग NSA की भी कार्रवाई करेंगे ताकि ये एक मैसेज पब्लिक को क्लियर रहे कि जो सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।